देखिए गाइस रावण जी खड़े हो, देखिए गाइस रावण जी पूरे भीग चुके हैं, पेट्रोल डाल के उनको जलाना होगा गाइस। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून गाइस, क्या कर रहे हो सब? सुबह घूम के आके हम तो सो गए थे, करीब एक बजे से उठे हम लोग, सिर्फ सोए थे, मैं गीता सो गए थे। एक्चुअली सोने का कुछ इरादा नहीं था, बस बारिश पूरा बारिश भीग गया था, हम बाल भी पूरा भीग गया था, सोचे कि बाल ड्राई कर लेंगे, तो बस बाल सुखाते सुखाते कब हम लोग नींद के दिनों में चले गए पता ही नहीं चला। मम्मी तो सोई नहीं, हम लोग सो गए थे, एक बजे उठ के नहा धो के, मम्मी सोई नहीं, घर का पूरा झाड़ू वाड़ू बर्तन वर्तन धो के फिर खाना वाना बनाई वो, फिर हम लोग उठ के नहा धो के खाए। बीबी नींद सही लग रहा है, बीबी पूरा नहीं हुआ है, इतना बारिश हो रहा था गाइस, इतना ज़्यादा क्या बताओ, पर भगवान की कृपा से हम लोग घूमे और काफ़ी इंजॉय भी किया, हम लोग बहुत इंजॉय किए, बहुत मज़ा आया घूमने में। फैमिली लोग जब साथ होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, कहीं भी फैमिली लोग के साथ जाने में बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत इंजॉय किया हम लोग घूमने में। और रावण को तो आप लोग देख ही चुके हो, बेचारा रेनकोट पहन के खड़ा था, बट कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो रेनकोट भीग गया। मुझे मैं तो ये सोच रही कि वो जलेगा कैसे, बेचारा पूरा भीग चुका है, रात में उसको खड़ा कर दिए थे और आप लोगों ने देखा रात से ही पानी स्टार्ट हो गया था, हम लोग जस्ट निकले थोड़ा देर बाद से ही ना पानी स्टार्ट हो चुका था, रात भर से बचा होगा, कितना बचा होगा, भीगा है वो, बहुत भीगा है रावण, पता नहीं बेचारा कैसे जलेगा, कैसे जलेगा कोई बात नहीं, हम लोग चलेंगे। यहाँ KGP का रावण फेमस है, यहाँ का बहुत अच्छा बनता है, यहाँ पे आप लोगों ने तो देखा बहुत अच्छा बनाते हैं यहाँ पे रावण, और यहाँ का रावण देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं, बट इस साल तो मुझे नहीं लगता कि ट्रेन से जलेगा, उसको पेट्रोल डाल के आई थिंक जलाना होगा क्योंकि इतना फेंक चुके हैं ना, क्या बोले धूप आया है, जब सो के उठे थे तो तभी धूप कर रहा था, बट इतना मैं तो सीखेगा नहीं हूँ, क्या पता क्या बात, कोई बात नहीं। तो अभी मैं और गीता जाएंगे, आप लोग को भी मैं दिखाऊंगी क्या होता है वहाँ पे। तो मम्मी अभी जस्ट मम्मी अभी सोई है, जिससे बस वो रात पर जो मुझे जग रहे थे वो बिल्कुल भी सोई नहीं, जस्ट खाना वाना बना रही थी, तो अभी वो खा पी के थोड़ा सा जस्ट अभी लेटी है, करीब अभी 4:30 बज रहे हैं, और तो जा रही हूँ मैं, पहचान को अकेला कर देती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा काम जो है वो कर देते हैं, फिर हम लोग भी जाएंगे। एंड सर हाँ, मैं आप लोगों को दशहरा विश करना तो भूल ही गई, हैप्पी दशहरा गाइस, दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, तो हैप्पी दशहरा। ओके गाइस, चलो ब्लॉग में बने रहो आप लोग, मिलते हैं आप सबके। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, गाइस आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैं जा ही नहीं पाया, एक्चुअली में हम लोग देखिए मैं रेडी भी हो गई थी, एक्चुअली हम लोग सोचे कि घर का काम करके सारा जाएंगे, मम्मी सोई हुई है, सुबह से सोई नहीं थी ना, तो मैंने घर में झाड़ू लगाया, गीता बर्तन धो ली, हम लोग रेडी भी हो गए, टाइम एक्चुअली में देखे नहीं, ध्यान में नहीं रहा टाइम, पर जैसे रेडी हुए सावन में, मतलब हम लोगों के घर के पास ही है रावण मैदान, तो जब रावण फूटता तो पूरा घर तक आवाज होता है, तो अभी आवाज आया कि फूट गया रावण, तो नहीं जा पाए हम लोग। अच्छा रावण तो जला नहीं, रावण जैसी का वैसे ही है, बस वो सामने में जो वो जलाते हैं हर साल वही वाला जलाएंगे, रावण तो जलेगा ही नहीं क्योंकि इतना भीगा है, उसको पेट्रोल डाल के भी जलाओगे तो नहीं चलेगा, तो वो तो ऐसे ही है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर अगर भगवान की कृपा से बारिश ना हो तो अच्छे से होगा रावण दहन पे, मैं आपको वो वाला दिखाऊंगी। ओके तो अब हम लोग रेडी हो ही गए हैं जाने के लिए, तो फिर थोड़ा सा यहाँ पर घूम के आए, एक्चुअली यहाँ पर ना शिव पार्वती बताते हैं हर साल दुर्गा पूजा के टाइम, तो यहाँ पे भोग भी देते हैं, तो सोचते कि इसे वो क्या आ जाए भगवान का दर्शन मिल जाएगा, साथ में भोग भी खाना हो जाएगा। चलो आपको भी दिखाती हूँ मैं, शिव पार्वती का दर्शन भी करा देती हूँ, तो चलिए मेरे साथ।
आ गई हूँ घर और मैं आ गई हूँ किचन में। आप लोगों को पता है मैं क्या कर रही होंगी? आई नो, पता तो चल गया होगा, दूध देख के पता चल गया होगा मैं पे क्या कर रही हूँ। एक्चुअली अभी कई दिन वहाँ से दूध खरीद के लेके आई हूँ, जो चाय पीने का मन कर रहा था तो सच बना लो चाय पीने से ना। चाय ना, एक्चुअली मुझे चाय बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। चाय के लिए मैं कभी ना नहीं पहुँच सकती, मुझे चाय इतना पसंद है। चाय भी ले, दूध भी लेके, दूध के साथ में देखिए मैं ये बिस्किट खरीद के लेके आई हूँ। आपको पता है तिब्बती में मैंने वाला बिस्किट बहुत खाया था, क्योंकि जब भी चाय, आप लोगों को तो पता है, बताया कि मैं अच्छा खाली चाय नहीं पीती, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो जब भी मैं चाय पीती थी ना ये बिस्किट। और पता है एक पीस का 5 रुपीज करके लेता था, और इसका पैकेट पता है आप लोग को कितना लिया है? इसका पैकेट 55 रुपीज का आया है एक पैकेट। एक मिनट गाइस, ओ दरवाजे पर कोई आते, मुझे लगा कौन आया कि वही देख रही थी। हाँ तो मैं कहते हैं यहाँ बिस्किट, तो आपको पता है इसमें कितने पीसेस? में 24 पीसेस है गाइस, 24। और दुकान वाला पता है एक पैकेट में 120 रुपये कमा लेते हैं, क्योंकि एक पीस 5 रुपीज में बेचता है सभी जगह में, वहाँ पर भी यहाँ पर भी 5 रुपीज करके ही लेते हैं एक पीस का। तो मुझे दिखा मैंने लेके आ गया, तो बस फटाफट चाय बनाऊँगी और गर्मा गर्म पीऊँगी। ओके गाइस, ब्लॉग को बने रहो आप लोग। आप लोग से बात करने के चक्कर में ना मेरा दूध गिर जाएगा, पूरा गैस खराब हो जाएगा। ओके बाद में मिलती हूँ आप लोग से, ब्लॉग बने रहो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। नेक्स्ट डे इवनिंग में ब्लॉग बना रही हूँ। एक्चुअली कल चाय पीने के बाद खा, थोड़ा देर बाद फिर खाना वाना खाया, फिर उसके बाद सो गई थी, क्योंकि सब भी बहुत थके हुए थे, सोए नहीं थे। सुबह आके सोए थे बट जल्दी उठ भी तो गए थे ना, फिर बहुत नींद, सब थके हुए थे सो गए थे। फिर आज बृहस्पतिवार था तो मॉर्निंग में नहा धो के पूजा पूजा हुआ, फिर उसके बाद में फिर कल वाला वीडियो था जिसको पूरा एडिट करके फिर पोस्ट की, फिर खाना वाना खाया, फिर थोड़ा सा रेस्ट की, तो भी सोचे कि फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लूँ। तो अभी मैं आई हूँ किचन में, एक्चुअली मेरा हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है, सोची बना ही लेती हूँ। अष्टमी नवमी में सोची थी बनाऊंगी बट मैं तबीयत ही ठीक नहीं था तो बनाया नहीं, तो अभी बहुत मन कर रहा है तो सोची बना दूंगी करके। वैसे ही मेरी मौसी वो दिन नवमी में बनाई थी, वो ला के दी थी, तो खाई भी थी मैं, फिर भी मन कर रहा है तो सोची बना लूँ करके। तो चलिए गाइस, सब लोग ब्लॉग बना रहा हूँ, फटाफट में बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो उस दिन तो मैं दूध वाला बनाया था, दूध नहीं ऐड करूँगी, पानी से बनाऊँगी। चलिए आपको भी दिखाती हूँ। गाइस मम्मी खाना बना रही है, साथ में बर्तन भी सेट कर दिए, धो के रखा हुआ है। ये देखिए खाने में कुंदरू फ्राई हो रहा है और यहाँ पर बन रहे सांभर। दिन में तो मेरा फेवरेट बना था आलू गोभी फ्राई, अभी ये बन रहा, साथ में टमाटर की चटनी भी बना था। सो गाइस बन रहा है खाना, अभी टाइम है बनने में, खाने में।
और मैंने रावण वाला वीडियो ढूंढा गाइस कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरे भाई वो हरी से मेरे ट्यूशन पढ़ाता था लास्ट का भाई, वो उसके पास रावण से लिए पर पता नहीं तो वो ना मतलब जैसे शॉर्ट्स में मतलब शॉर्ट जो बनता है मतलब कैमरा को स्ट्रेट करके वैसे ही बनाया है, इसलिए वो ऐड तो नहीं हो सकता। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर भला पक्का दिखाऊंगी। ओके वैसे भी चल अच्छा से जला भी नहीं रावण, वैसे आप लोग चाहते यूट्यूब में देख सकते हो मका खड़गपुर वाला डाला डालते हैं खड़गपुर का रावण का देखना आप लोग को, तब देख सकते हैं यूट्यूब में डालते हैं वहाँ से आप देख लेना, नहीं तो मैं ही नेक्स्ट ईयर वाला दिखाने के लिए। और हाँ गाइस थोड़ा कमेंट वमेंट किया करो वीडियो में अच्छा लगता है आप लोगों को नहीं लगता है, और आप लोग कमेंट करोगे तो मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ेगा, मुझे भी अच्छी लगेगी पढ़ाने। वैसे तो मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कमेंट्स पढ़ना, कमेंट्स पढ़ती हूँ रिप्लाई भी करती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना मैं देख तो लेती हूँ और कभी कभी क्या होता है रिप्लाई करना भूल जाती, सोचती हूँ कि बाद में करूँगी बिजी रहती हूँ तो, और मैं थोड़ी भुलक कर भूल ही जाती हूँ रिप्लाई करना, बट बहुत सारा कोशिश करती हूँ रिप्लाई करो। आप लोग थोड़ा कमेंट वमेंट करा, वीडियो को लाइक किया करो गाइस, आप लोग देख ले तो लाइक भी नहीं करते हो, अच्छा लगता तो लाइक तो किया करो, एक्चुअली लाइक किया करो, कमेंट किया करो, बताया करो कैसा लगता है आप लोग को। मैं इतना मेहनत करती हूँ, बताया आप लोग को ध्रुव जब घूमने गई थी तो कितना बारिश हो रहा था, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया, आप लोग को दिखाने के लिए बनाया, बट कोई आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हो मुझे। सपोर्ट करिए, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ना मुझे अच्छा लगेगा आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए, आप लोग सपोर्ट करो तो कि मैं आप लोग का और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगी। सपोर्ट करो गाइस, सपोर्ट आई नो आप लोग करोगे ना सपोर्ट, है ना। चलो गाइस वीडियो को मैं एंड करती हूँ और आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। ओके तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव, गुड नाइट, बाय बाय गाइस, बाय बाय।